दोस्तों दिवाली की तैयारियां पूरे भारत में बड़े जोरों और शोरों के साथ चल रही हैं। मैं इस समय अमृतसर में हूँ और अमृतसर में बात करूं दिवाली की तो एक बहुत बड़ी कहावत है, दाल रोटी घर की लेकिन दिवाली अमृतसर की। आज की इस कहानी, आज की इस एपिसोड में मैं अमृतसर के नावल्टी स्वीट पर आया हूँ और आपको दिखाने लगा हूँ कि अमृतसर की स्पेशल पिन्नी कैसे बनाई जाती है। एपिसोड बड़ी प्यारी है, आइए चलते हैं सीधा वर्कशॉप में, कैसे बनती है अमृतसर की वर्ल्ड फेमस स्पेशल पिन्नी। आइए मेरे साथ जी। सबसे पहले शुद्ध देसी घी, सूजी और साथ में ये आ गया जी बेसन, और ये प्रोसेस शुरू हो रहा है जी अमृतसर की स्पेशल माँ की दाल की देसी घी वाली पिन्नी का। अब जो माँ की दाल की जो पीठी है वो मिक्स की जा रही है जी, जिसमें घी है, बेसन है और सूजी है। धीमी आंच के ऊपर इसे बनाया जा रहा है और देखिए इसका जो रंग है वो बदलना शुरू हो चुका है, क्योंकि बात पंजाब की हो रही है, बात अमृतसर की हो रही है, तो कैलोरी को भूल जाइए क्योंकि यहाँ निरंतर बारिश हो रही है जी देसी घी की। इसका रंग है वो बदल चुका है और अभी ये बनने के लिए एकदम से तैयार है जी। एक घंटे तक पिन्नी को पकाया जाता है, जब उसका रंग एकदम से बदल जाता है तो अब इसमें जा रहा है जी ड्राई फ्रूट। दूसरी तरफ जो चाशनी है एकदम से तैयार है और अब जो पिन्नी है वो जा रही है जी चाशनी में। जैसे जैसे ये माँ की दाल की स्पेशल देसी घी वाली पिन्नी बन रही है, जो उसकी खुशबू आ रही है बहुत बहुत अमेजिंग है। अभी पता चला है कि पिन्नी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसे कुछ समय के लिए ठंडा रखा जाएगा और उसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है, चलें भाई साहब चलें जी। अभी हम उस पोर्शन में आ चुके हैं जहां पर पिन्नी को फाइनल शेप दी जा रही है। सारा का सारा काम जो अच्छी चीज़ लग रही है वो लग रही है कि पूरा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है और इस चीज़ का श्योर किया जाता है कि हर एक पिन्नी में जो ड्राई फ्रूट की कमी है वो ना रहे। तो आप देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ जो पिन्नी है, जी हाँ अमृतसर की स्पेशल देसी घी वाली माँ की दाल की पिन्नी, वो रेडी की जा रही है। और यहाँ पर आप ट्रेस में देख सकते हैं जो इसकी फाइनल शेप है वो एकदम से रेडी है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये पिन्नी सिर्फ अमृतसर में नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं, भारत में नहीं, बाहर भी भेजी जाती है, तो बड़ी सुंदर तरीके के साथ इसकी पैकिंग की जाती है। और पैकिंग कैसे की जाती है दिखाएंगे भी, आ जाइए मेरे साथ। और आप ये चेक कर सकते हैं, अगर मैं पैकिंग की बात करूं तो ये वैक्यूम पैकिंग है जो स्पेशल मशीन में करी जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कम से कम इसकी जो लाइफ है वो 30 दिन तो रहे, इस बात की श्योरिटी दी जाती है और विदाउट एनी यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव और केमिकल, बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी ऐसा ऑर्डर मंगवाना चाहते हो इसका जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा। तो जनाब अमृतसर की स्पेशल पिन्नी मेरे हाथ में आ चुकी है। सबसे प्यारी बात लग रही है कि पैकिंग बहुत सही है। तो आप सभी के अपनों को मेरी तरफ से, अमृतसर वॉकिंग टूर की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार दिवाली पर अमृतसर की ये जो स्पेशल पिन्नी है इसको खाना मत भूलिएगा, मैं तो खाने लगा हूँ, आ जाइए आप भी। लव यू ऑल, प्यार देने के लिए।